तो दोस्तों क्यों होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, कैसे होती है अकाउंटिंग इक्वेशन और कब करी जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आज के अपने इस क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं आपके अपने इस YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपकी बुक का है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर, जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा, बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं, जिनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर एक टॉपिक होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो हम बात करेंगे, ड्यूल एस्पेक्ट की बात करेंगे, जो दोहरा संयोग होता है किसी भी ट्रांजैक्शन के बीच में, एक चीज़ आती है एक चीज़ जाती है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है या कोई इफेक्ट पड़ता है, वो हम देखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पहली इक्वेशन होती है हमारी, वो होती है एसेट इक्वल टू इक्विटीज। ठीक है, एसेट इक्वल टू क्या होती है, इक्विटीज होती है। इक्विटीज का मतलब होता है टोटल क्लेम, टोटल क्लेम। अब ये टोटल क्लेम क्या होता है, इक्विटीज क्या होती है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसे। देखिए, टोटल इक्विटीज या टोटल क्लेम जो होता है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। वो कौन सी चीजें आती हैं मैं बता देता हूं। पहली होती है आपकी लाइबिलिटीज, ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज होती हैं इसके अंदर, प्लस दूसरी चीज जो आती है वो आती है कैपिटल। ठीक है, तो लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। जैसे कि हमने अकाउंटिंग वर्ड्स के अंदर इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करी थी, अब वही चीज आपके सामने आने वाली है। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, यानी कि जो हम देते हैं। ठीक है, लेकिन ये लाइबिलिटीज जो होती है ये आउटसाइडर्स की होती है, और जो कैपिटल होती है वो इंटरनल लाइबिलिटीज होती है, इसीलिए इसे अलग अलग लिखा जाता है। ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी और वो क्या होगी, एक इंटरनल लाइबिलिटी होगी जो ओनर इंट्रोड्यूस करता है पैसा बिजनेस के अंदर। तो इसीलिए जो हमारा पहला फार्मूला, यानी कि पहली इक्वेशन हम बोल सकते हैं जो बनी है, वो बनी है असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब चूंकि आप लोग कॉमर्स में हो तो मैथ तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। प्लस माइनस के जो साइन है वो आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं आते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस एक इक्वेशन से आप तीन इक्वेशन बना सकते हैं, जो कि पहली इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। अगर बात करी जाए कि मान लीजिए आपको एसेट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, लाइबिलिटी और कैपिटल इन दोनों को जोड़ देंगे, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा एसेट। ठीक है, टोटल एसेट। अब अगर हम बात करें कि लाइबिलिटी किसे कहा जाता है या लाइबिलिटी कैसे फाइंड आउट करी जाती है, तो कुछ नहीं करना, ये कैपिटल प्लस में है, ये इधर जाएगी। देखिए, बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, किस चीज का, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो ये आपकी जो साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है, और ये जो साइड है वो है लेफ्ट हैंड साइड। तो मैथ्स का ये नियम है कि कोई भी राइट साइड से लेफ्ट साइड में चीज जाती है तो उसका जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जब ये कैपिटल प्लस की इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि लायबिलिटी इक्वल टू हो जाएगी एसेट माइनस कैपिटल। क्या बोल सकते हैं, लायबिलिटी इक्वल टू हो जाएगी हमारी एसेट माइनस कैपिटल। चलिए, आपकी दूसरी इक्वेशन तैयार हो चुकी है, अब बात करते हैं तीसरी इक्वेशन की। देखिए, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपका लायबिलिटी का एक इक्वेशन क्रिएट हो चुकी है, अब बात करते हैं कैपिटल की। मान लीजिए आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, ये लायबिलिटी के आगे कोई साइन नहीं है, तो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाली चीज जब इधर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यानी कि कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा एसेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल इक्वल टू हमारा बन जाएगा एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि
ये इक्वेशन एक ही होती है, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से हम इधर उधर चीजों को करेंगे और आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आराम से निकल जाएगा। इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए, स्किप ना कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम कि ये काम कैसे करती है। ठीक है, तो अभी आपने क्या समझा, अभी आपने इक्वेशन समझी है, आप फॉर्मूला बोल सकते हो, इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है ना। तो एसेट इक्वल टू क्या होगा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ओरली समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं पहले अब्रॉड में रहता था, उसके बाद में मैं पैसा कमाकर हिंदुस्तान आया, अब मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आप बताइए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले एक लैंड खरीदूंगा, जमीन। उससे होगा क्या, मेरे पास से कैश चला जाएगा और मेरे पास एक लैंड आ जाएगी। हालांकि दोनों ही ये एसेट है, तो ना तो मेरा कोई फायदा होगा और ना ही कोई नुकसान होगा। यानी कि मेरी जो एसेट है बस वो कन्वर्ट हुई है, जो कैश था वो कन्वर्ट हो गया थोड़ा सा किसमें, लैंड में। यानी कि मेरी एक एसेट बढ़ गई। अब लैंड आ गई तो क्या मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तो फिर से मेरे पास से पैसा जाएगा और बिल्डिंग बन जाएगी। ठीक है, दो एसेट हो गई। अब तीसरी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मैं फर्नीचर लगवाऊंगा, यानी कि फिर से मेरे पास से कैश जाएगा और मेरा फर्नीचर प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, मैं और भी बहुत सारी एसेट्स खरीदूंगा, यानी कि मेरे पास जो पैसा है वो पैसा जाता रहेगा और मेरी नई नई एसेट्स आती रहेंगी। अभी कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, बस ट्रांसफर हो रहा है कैश का बाकी की एसेट्स के अंदर। ठीक है ना, अब मान लीजिए मेरा एसेट पूरा तैयार हो चुका है। अब मैं बात करूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, यानी कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास से कैश जाएगा और माल आएगा। वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो फिनिश गुड्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मैं बिजनेस कैसे करता हूँ। तो मेरे पास से कैश गया, माल आया। ठीक है, अब इसके बाद जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा तो क्या करूंगा, मैं माल दूंगा और पैसे लूंगा। यानी कि मेरे पास से गुड्स जाएगा और मेरे पास पैसा आएगा, लेकिन क्या जितने का गुड्स जाएगा उतना ही पैसा आएगा, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ फायदे की बात होगी, यानी कि प्रॉफिट इंक्लूड होता है इसके अंदर। मेरे पास से एसेट तो गया, यानी कि स्टॉक तो गया, गुड्स तो गया, लेकिन इसके बदले में जो पैसा आएगा वो ज्यादा का आएगा। जैसे मान लीजिए 20,000 का माल मैंने 30,000 में बेच दिया, तो मैं अपनी एसेट कम करूंगा 20,000 से, लेकिन जो मेरे पास कैश आएगा वो आएगा 30,000। यानी कि 10,000 रुपए का जो होगा वो प्रॉफिट होगा, यानी कि मेरी जो कैपिटल होगी वो बढ़ जाएगी कितने से, 10,000 से। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इस तरह की बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। चलिए तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है ताकि मैं आपको छोटे क्वेश्चन से अच्छे से समझाना शुरू करूं। ठीक है ना, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि पहली इक्वेशन में क्या बोल रखा है आपको कि संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज। ठीक है ना, तो यानी कि संदीप ने बिजनेस को स्टार्ट करा है 1,00,000 रुपए से। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ होगा, अभी कुछ नहीं हुआ, केवल कैश आया है बिजनेस के अंदर, जिससे आपकी कैपिटल जो हो गई है वो बढ़ गई है और अब कितनी हो गई है, वो 1,00,000 रुपए हो गई है। तो इसको बनाना कैसे है, दिखाना कैसे है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मेट होता है इसका, जिसके अंदर सबसे पहले आपको लिखना होता है सीरियल नंबर, देन उसके बाद ट्रांजैक्शन, इसके बाद एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो कि हमने अभी डिस्कस करा था। अब ये जो एसेट है इसके नीचे आपको एक छोटा सा हेड बनाना है, जिसके अंदर आपको ये दिखाना होता है कि आपके पास बिजनेस में कौन कौन सी एसेट अवेलेबल है। तो जैसे जैसे आपकी एसेट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर जो नाम होंगे, ठीक है, एसेट के, वो बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद में लायबिलिटी के अंदर भी एक हेड बनता है, क्योंकि लायबिलिटीज जो होती है वो हमारी आउटसाइडर्स की होती हैं, तो जरूरी नहीं है वो एक ही व्यक्ति से आप ले रहे हो उधार, आप कई लोगों से ले सकते हो, तो यहाँ पर उनके नाम आ जाएंगे। इसके बाद में लास्ट में कैपिटल की बात करी जाए, तो कैपिटल आपको पता ही है, कैपिटल के अंदर जो आप कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो आएगा। इसके साथ में कैपिटल के अंदर चेंजेस सिर्फ तब होते हैं जब कोई फायदा हो या कोई नुकसान हो। ठीक है ना, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक करके सारी इलस्ट्रेशन आपके सामने सॉल्व होगी। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहली जो है वो है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,00,000 रुपीज।
यानी कि संदीप ने बिजनेस को स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए से, तो आपको पहले पॉइंट में क्या लिखना है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि संदीप ने 1 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट करा, तो पहले कैश कुछ नहीं था, लेकिन कैश अब कितना हो गया आपके पास, 1 लाख रुपए। फर्नीचर अभी आपके पास है नहीं, स्टॉक आपके पास है नहीं, तो ये जीरो रहेगा। आपने कोई लायबिलिटी क्रिएट की नहीं तो ये भी जीरो रहेगी, लेकिन कैपिटल आपकी कितने से बढ़ जाएगी, 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब बात करी जाए न्यू इक्वेशन की, देखिए ये जो होती है ये होती है आपकी न्यू इक्वेशन, ठीक है ना, या न्यू बैलेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो न्यू इक्वेशन होगी 1,00,000 और 1,00,000, ठीक है। अब अगली एंट्री क्या है आपकी, वो है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कितने से, 5,000 रुपए से, यानी कि आपने 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास से 5,000 रुपए जाएंगे और बदले में 5,000 रुपए का फर्नीचर आ जाएगा, यानी कि यहाँ केवल ट्रांसफर हो रहा है अपनी एक असेट का दूसरी असेट में, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, ठीक है। तो यानी कि जब सेकंड पॉइंट आप लिखोगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो इसमें से आपका जो कैश होगा पहले था 1 लाख रुपए का, लेकिन अब 5,000 रुपए कम हो जाएंगे क्योंकि आपने फर्नीचर खरीद लिया है 5,000 रुपए का, जो कि पहले था ही नहीं, जीरो था। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे हम 5,000 रुपए और यहाँ माइनस कर देंगे 5,000 रुपए, क्योंकि 5,000 गए हैं कैश, लेकिन एसेट आ गई यानी कि फर्नीचर आ गया 5,000 का, तो एक चीज माइनस हो जाएगी और दूसरी चीज प्लस हो जाएगी। स्टॉक आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, क्या इस ट्रांजैक्शन से कोई फायदा या नुकसान हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। 5,000 गए तो 5,000 की वर्थ का आपके पास क्या आ गया, फर्नीचर आ गया, तो यहाँ पे कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अब जो आपकी न्यू बैलेंस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जो आपका न्यू बैलेंस होगा वो क्या होगा बिजनेस का, देखिए 1 लाख रुपए आपके पास थे, 5,000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा, आपके पास अब कितने बचे हुए हैं, 95,000 रुपीज बचे हुए हैं। और फर्नीचर की वर्थ की बात करी जाए तो ये 5,000 रुपए का फर्नीचर आपके पास है, स्टॉक आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, और क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी भी आपकी कुछ नहीं है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक लाख में जीरो जोड़ोगे तो 1 लाख ही आएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अपनी तीसरी एंट्री की, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज, यानी कि आपने माल खरीदा है 20,000 रुपए का, तो 20,000 रुपए का माल खरीदा, इसका क्या अर्थ है, आपके पास से 20,000 रुपए कैश चले जाएंगे, बदले में 20,000 रुपए का माल आपका आ जाएगा, यानी कि गुड्स आ जाएगा। तो चलिए आप क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो 20,000 रुपए गए हैं आपके पास से, तो 95 से 20 माइनस कर दोगे आप, कितना बच जाएगा, 75,000 रुपीज, यानी कि 75,000 रुपए आपके पास बचे। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये आपका 5,000 ही रहने वाला है, लेकिन स्टॉक पहले आपका जीरो था, अब आपका ये प्लस हो जाएगा 20,000 रुपए, यानी कि ये 20,000 रुपए यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि 20,000 रुपए का आपने स्टॉक खरीदा है, तो ये प्लस हो जाएगा। लायबिलिटी आपकी कुछ है नहीं, और इस ट्रांजैक्शन से आपको कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ है, इसीलिए जो आपकी कैपिटल है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी, शून्य रहेगी। अब बात करी जाए न्यू बैलेंस की, तो न्यू बैलेंस जो आपका बच जाएगा यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन के बाद, 95 से 20 घटाओगे 75,000 आ जाएगा, ये 5,000 आ जाएगा, ये 20,000, ये जीरो रहेगा, ठीक है ना, और आपका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो 1 लाख के 1 लाख ही है अभी कैपिटल के अंदर, ठीक है ना। अब अगली जो है हमारी वो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, वाह भाई वाह, 36,000, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इस बार आपने माल तो खरीदा है लेकिन पेमेंट करी नहीं। देखिए जब भी क्रेडिट की बात आए, ऑन क्रेडिट, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार की एंट्री, आपने किसी से माल तो ले लिया है लेकिन अभी पैसे नहीं दिए हैं, तो अभी पैसे नहीं दिए हैं तो तब तक वह व्यक्ति आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। चलिए देखते हैं, तो अपनी एंट्री ये थी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार में खरीदा है, तो क्या बताइए इसके अंदर जो आपका ओल्ड बैलेंस था, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ओल्ड बैलेंस जो था आपका वो था 75
75,000 रुपीज, 75,000 रुपए थे, तो क्या कोई फर्क पड़ा होगा इस पे? भाई कैश तो आपके पास से गया नहीं, आपके पास केवल क्या आया है, 36,000 रुपीज का माल आया है, यानी कि कैश तो आपके पास से गया नहीं, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्या फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। क्या स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार आपने 20,000 दिए थे और 20,000 का माल आया था, तो वो तो होगा, रखा होगा गोडाउन में। अब आपने क्या करा, कैश तो नहीं दिया लेकिन माल और ले लिया, कितने का ले लिया, 36,000 रुपए का ले लिया, 36,000 का ले लिया, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा आपका कितना, 36,000 रुपीज। ओके, अब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी सिर्फ एसेट बढ़ी है, आपके पास से कुछ गया नहीं है, लेकिन यहाँ तो फर्क पड़ेगा ना सर। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये जो लाइन है ये आपकी लाइबिलिटीज की है, और लाइबिलिटीज आपकी एक क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि आपने अभी पैसा नहीं दिया है लेकिन बाद में तो दोगे ना, तो इसीलिए 36,000 रुपीज जो है वो आपके क्रेडिटर्स के अंदर आ जाएंगे। लाइबिलिटीज के अंदर जो क्रेडिटर का हेड है उसमें ये 36,000 रुपए शो करेंगे। क्या इस ट्रांजेक्शन से आपको कोई फायदा या नुकसान हुआ? ऑब्वियस नहीं हुआ होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो आपकी कैपिटल है इस पे भी कोई चेंज नहीं आने वाला। अब देखते हैं जो आपका न्यू बैलेंस आया वो क्या आया, जो आपका न्यू बैलेंस आया, देखिए कैश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये 75,000 का ही रहेगा। 5,000 का पहले फर्नीचर था, अब भी 5,000 का है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा इसके ऊपर। अच्छा, 20,000 रुपए का पहले स्टॉक था, अब आपने 36 का और ले लिया, तो आपके जो हो गए स्टॉक कितने के हो गए, 56,000 रुपीज के हो गए, इस पे फर्क पड़ा है। अब लाइबिलिटीज आपकी पहले कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब आपकी लाइबिलिटी कितने की हो गई, 36,000 रुपए की हो गई। कैपिटल पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना पहले था उतना ही अब भी है। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब हम अगली बात करें, अगर फिफ्थ एंट्री की, इसमें लिखा हुआ है पेड फॉर रेंट कितना, 700, यानी कि आपने किसी को रेंट दे दिया है 700 रुपीज का, 700 रुपए आपने लो जी लो किराया दे दिया। अब किराया दे दिया तो क्या आपके पास रिवर्स में कुछ आया? ना, कुछ ना आया, खाली गया गया है। तो गया गया है तो इसका क्या मतलब है, आपका लॉस है, एक्सपेंस है वो आपका, रिवर्स में तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो रिवर्स में कुछ मिल नहीं रहा है तो आपके पास से कैश क्या हो जाएगा, 700 रुपए से कम हो जाएगा। क्या आपके फर्नीचर पे कुछ फर्क पड़ेगा? अरे क्यों पड़ेगा भाई, कैश दिया है खाली हमने, वो भी किराए के तौर पर, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक की बात करी जाए, स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्रेडिटर्स की बात करी जाए, क्या उधारो पानी कुछ हुआ है? नहीं हुआ है जी, हमने पैसा दिया है, पेमेंट करी है, तो लाइबिलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात करी जाए कैपिटल की, तो कैपिटल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं फर्क पड़ेगा, इस बार फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि मेरी जो कैपिटल थी वो कम हो गई, मेरी जो संपत्ति थी, पूंजी थी, वो कम हो गई, क्योंकि मैंने पैसा निकाल के दे दिया लो जी किराया, बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। तो कुछ नहीं मिला तो यानी कि आपका एक एक्सपेंस है, ठीक है, तो आपने 700 रुपए से पेड कर दिए और आपकी जो कैपिटल होगी वो 700 रुपए से कम हो जाएगी। अब जो न्यू बैलेंस बचेगा आपका वो क्या बचेगा, तो बहुत सिंपल है सर जी, 75,000 रुपीज आपके पास थे पहले, अब आपने 700 की पेमेंट कर दी, तो आपके पास बचे 74,300 रुपीज। ओके, अब 5,000 रुपए का जो आपका फर्नीचर था इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अब भी 5,000 का ही रहेगा। 56,000 के आपके क्या थे, स्टॉक थे, वो अब भी 56,000 के ही रहेंगे। जो लाइबिलिटीज थी आपकी 36,000 की थी वो भी उतनी ही रहेगी, लेकिन आपका जो कैपिटल था वो 1,00,000 रुपए का था, जो कि अब कितना हो जाएगा, 99,300, क्योंकि 700 रुपए मैंने दे दिए हैं किसी को एज अ रेंट, ठीक है, तो मेरी 700 रुपए से ये कैपिटल कम हो जाएगी, यानी कि किसी को किराया दिया है तो आपका कैश कम होगा और आपकी कैपिटल कम होगी, क्योंकि रिवर्स में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो आपका जो न्यू बैलेंस है ये आपके सामने आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं अपनी इस एग्जाम्पल की लास्ट एंट्री की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी लोग। क्या लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपीज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। बहुत बढ़िया,
तो 40,000 रुपए का माल था जिसे हमने सोल्ड यानी कि बेच दिया है, और कितने में बेचा है? 20% के प्रॉफिट पे। तो बताइए प्रॉफिट इसके अंदर है तो सीधी सी बात है हमें ज्यादा मिलेगा। 40 का अगर माल जा रहा है तो 40 तो वापस नहीं मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं चलो देखते हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40,000 रुपए का आपका क्या था? स्टॉक था। अब इसका आपको निकालना है 20%। तो परसेंटेज निकालना आई होप आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी हो, 5%, 10%, 15%, 2%, 2.5%, कुछ भी हो, आपको ऊपर लिखना है डिवाइडेड बाय 100 करना है। बहुत इजी है। अब कुछ लोग सोचते हैं यार गुणा कहाँ करूँ, यहाँ करूँ कि यहाँ करूँ? बिल्कुल सिंपल फंडा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दो आप एक, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, होता है ना, और भगवान एक होता है, तो इसीलिए इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब ये ऊपर नीचे काटे जाते हैं, ऊपर नीचे कैसे काटे जाते हैं? मैथ के रूल्स हैं कि दो जीरो यहाँ से कट करी तो इसकी दो जीरो हमने ऊपर वाले की कट कर दी, ये डिनोमिनेटर से कम होगा, ये न्यूमिनेटर से कम हो जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हर है और ये अंश है, तो दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आमने सामने गुणा कर दो, 1 1 जा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, कितनी जीरो आ जाएंगी जी, यहाँ 3 0 आ जाएंगी, यानी कि 8,000 रुपीज, क्योंकि एक तो हम अपने पास से लगा लेते हैं ना, तो हम अपने पास से हटा भी देंगे, क्या दिक्कत है। तो यानी कि कितना आ गया, जो आपका प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, प्रॉफिट जो आ गया वो आपका आ गया 8,000 रुपीज का। ओके, अब मैं एक चीज यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, इसको हम और भी आसान तरीके से ओरली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ, बहुत ही इजी है, उंगलियों पे कर लोगे सर जी, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 200 का 10% निकालना है, कितना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, 200 के पीछे से एक जीरो को कम कर दो, यानी कि 20 रुपए जो होगा ना वो होगा आपका 10%। मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई 1,000 का 10% निकालना है, तो 1,000 का जो 10% होगा, 1,000 में से पीछे से एक जीरो कम कर दो, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और वही होगा 10%। यानी कि 10% निकालना सीख लो, बाकी सब अपने आप निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 1,000 का 10% बोला, तो मैंने क्या कहा आपसे कि लास्ट की एक जीरो कम कर दो, तो 1,000 में से अगर लास्ट में एक जीरो कम करोगे तो क्या आएगा, 100, तो ये 10% होगा। लेकिन मान लीजिए किसी ने कहा सर जी आप ये बताओ 20% कितना होगा, तो 20% निकालने के लिए पहले 10% निकाल लो, फिर डबल कर दो, यानी कि 1,000 का जो 10% होगा वो 100 होगा, लेकिन जब डबल कर दोगे तो 200 हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए 1,000 का 20%, 20 से 20 कैंसिल हो गई, और 20 धाम कितना हो जाएगा जी, 200 हो जाएगा। अब किसी ने कहा अच्छा ज़्यादा चतुर्गुण रहे हो, ये बताओ 5% कितना होगा, तो मैं कहूँगा पहले 10% निकाल लो फिर उसका आधा कर दो, यानी कि 1,000 का 10% कितना होगा, 100 होगा, 100 का आधा कर दो यानी कि 50। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में इसको सोल्व कैसे करा था, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपीज सोल्ड कराए एट अ प्रॉफिट फॉर 20% फॉर कैश, यानी कि आपके पास से गुड्स जो गया है वो सर कितना गया है, 40,000 रुपए का, लेकिन आपको जो रिवर्स में मिलेगा वो मिलेगा 20% प्रॉफिट के साथ में। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 20% होता कितना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 40,000 का जो 20% कितना निकल के आया था, अभी 8,000 रुपए निकल के आया था, ठीक है ना, 8,000 रुपए। तो यानी कि 40,000 रुपए का माल आपके पास से चला गया, इसमें ऐड करेगा वो प्रॉफिट कितना, 8,000 रुपए, यानी कि टोटल जो आपको रिसीव्ड होगा वो कितना होगा सर जी, वो होगा 48,000 रुपीज, यानी कि 48,000 रुपए आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो कैश बढ़ जाएगा वो 48,000 रुपीज से बढ़ जाएगा। क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा फर्नीचर पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या स्टॉक पे फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक ही तो गया है, गुड्स जो होता है वो स्टॉक तो ही होता है, तो ये बिल्कुल होगा, इस पे फर्क पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, 40,000 रुपए का माल स्टॉक से चला जाएगा, ठीक है ना, और वो माइनस हो जाएगा। क्या लाइबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या कैपिटल में फर्क पड़ेगा? जी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हुआ है। मैंने आपको क्या कहा था, कैपिटल के अंदर जो इम्पैक्ट होगा वो जरूर होगा अगर कोई प्रॉफिट या कोई
लॉस हो रहा हो तो, ठीक है ना, तो 8,000 रुपए यहाँ पे ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो अब जो आपका न्यू बैलेंस बचा है, ठीक है ना, वो न्यू बैलेंस क्या है भाई, 74,300 में 48 जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1,22,300। जो आपका फर्नीचर है वो 5,000 का ही है, पहले आपका स्टॉक था 56,000 का, अब 40 माइनस हो गया तो कितना बचा, 16,000 बच गया। आपकी लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपकी जो कैपिटल थी वो 8,000 से बढ़ करके कितनी हो गई, 1,07,300। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन की एक खासियत और बता देता हूँ, आप कब सवाल को गलत कर रहे हो कब सही कर रहे हो आपको कैसे पता लगेगा, चलिए बताता हूँ। यहाँ जितनी भी इक्वेशंस है, ये जो आपका न्यू बैलेंस आता है, आप जब इसे जोड़ोगे 75,000, 5,000 और 56,000, तो ये हमेशा इक्वल होना चाहिए किसके, 36,000 प्लस 1,00,000, क्या आप जोड़ के देख लेना इक्वल आएगा, ठीक है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि आपने ये एंट्री जो करी थी ये सही करी थी कि नहीं करी थी, आप इसे भी जोड़ोगे और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हमेशा इक्वल आएगा। अब लास्ट की बात करी जाए तो आप इन तीनों को जोड़ोगे और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल। अब हम स्टार्ट करेंगे एक और एग्जाम्पल, थोड़ा और इंटरेस्टिंग, देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, एक बच्चे की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं लाइफ में, ठीक है ना। अकाउंटिंग का जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये 11th क्लास से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं अपना अगला एग्जाम्पल जो कि बहुत ही अच्छा है। क्या लिखा है देखते हैं, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंस। यानी कि इसके अंदर हमें दो चीजें बनानी है, पहला अकाउंटिंग इक्वेशन और दूसरा बनाना है बैलेंस शीट, जो कि आपकी लाइफ की पहली बैलेंस शीट होगी। चलिए बनाते हैं। पहली जो इन्होंने एंट्री दी है वो दी है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज। तो आपके माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए कि क्या हुआ होगा, यानी कि मनु नाम का एक व्यक्ति है जिसने 50,000 रुपए से अपने बिजनेस को स्टार्ट कराया, तो क्या हुआ होगा बताइए, कैश बढ़ गया होगा एज वेल एज इसकी कैपिटल भी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो आपको फॉर्मेट तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे बनेगा फॉर्मेट, तो सीधे हम एंट्री की बात करते हैं। मनु स्टार्ट कर रहा है बिजनेस कैश से, जिसमें कैश इसका प्लस हो जाएगा 50,000 रुपए से। फर्नीचर अभी कुछ नहीं है, स्टॉक कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स कुछ नहीं है, बस कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो आपका न्यू बैलेंस बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, 50,000, सब 00 और 50,000, ये आपका न्यू बैलेंस होगा। ये ओल्ड होता है, ये न्यू होता है, ठीक है ना। अगली एंट्री जो है वो हमारी है बॉट फर्नीचर फॉर 500, यानी कि आपने 500 रुपए में फर्नीचर खरीदा है। तो आपने 500 रुपए में अगर फर्नीचर खरीदा है तो क्या हुआ होगा, सीधी सी बात है आपके पास से 500 रुपए गए होंगे और बदले में रिवर्स में जो आपको मिला होगा वो फर्नीचर मिला होगा, यानी कि एसेट का खाली क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज कराया आपने, पहले कैश आपका कितना था, 50,000 रुपए था, माइनस कर देंगे हम कितना, 500 रुपीज, तो आपके पास आप कैश कितना बच गया, 49,500, यानी कि 500 रुपए आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे आपके कैश में से, लेकिन बदले में जो चीज पहले जीरो थी वो अब प्लस 500 हो जाएगी, यानी कि फर्नीचर आपका कितना हो जाएगा, 500 प्लस हो जाएगा। स्टॉक पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो क्रेडिटर पे पड़ा और ना ही कैपिटल पे, क्योंकि कैपिटल पे तो तब फर्क पड़ता है जब कोई फायदा या नुकसान हो, ठीक है ना। अगला जो है हमारा वो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए ऑन क्रेडिट का मतलब मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार की एंट्री, ठीक है ना। यानी कि आपने खरीद तो लिया है माल, लेकिन पैसे नहीं दिए हैं, कितने नहीं दिए हैं, 4,000 रुपए नहीं दिए हैं, यानी कि गुड्स आपके पास आ गया होगा 4,000 रुपए का, लेकिन अभी आपने पैसे नहीं दिए हैं। तो पैसे नहीं दिए हैं तो तब तक वह व्यक्ति आपका बन जाता है क्रेडिटर, जो कि लायबिलिटी के हेड के अंदर आएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, क्या कैश पे कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। स्टॉक पहले जीरो था, अब आपका स्टॉक प्लस 4,000 हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक ही तो आपने परचेज करा है, ठीक है ना। और
अगर लाइबिलिटी की बात करी जाए तो इसके अंदर क्रेडिटर पहले जीरो थे, लेकिन अब 4000 रुपीज की आपकी लाइबिलिटी भी शो होगी। क्यों होगी जी? क्योंकि आपने अभी पैसा तो दिया नहीं है, सिर्फ माल ले लिया है, ठीक है ना। क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ है। तो अपने न्यू बैलेंस की अगर बात करी जाए तो 49,500 ही रहेगा, क्योंकि कैश ना तो गया ना आया। लेकिन फर्नीचर हमारा अच्छा, फर्नीचर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक जो हमारा पहले जीरो था, अब कितना हो जाएगा? 4000 रुपीज का हो जाएगा। क्रेडिटर्स जो है हमारे, वो बढ़कर कितने हो जाएंगे? 4000 रुपीज के हो जाएंगे, ठीक है ना। और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये 50,000 ही रहने वाला है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपनी अगली एंट्री, जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट रुपीज 500 फॉर 700। तो सीधी सी बात है, आपके पास जो 500 रुपए का माल था, आपने वो बेचा है, और कितने में बेचा है? 700 रुपए में बेचा है। तो सबसे पहले आपके माइंड में जो आना चाहिए, वो आना चाहिए क्या कि 500 का माल जा रहा है, 700 रुपए आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 200 रुपए का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और जो प्रॉफिट होता है, उसका फर्क कहाँ पड़ता है? कैपिटल में पड़ता है, अभी आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 500, यानी कि जिसकी कीमत थी 500 रुपए, आपने उसे बेच दिया कितने में? 700 रुपए में। तो सीधी सी बात है, आपके पास जो कैश इंक्रीज होगा वो कितने से हो जाएगा? 700 रुपए से हो जाएगा। क्या फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी। क्या स्टॉक पे फर्क पड़ेगा? जी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि 4000 रुपए का पहले स्टॉक था और 500 का अब आपने बेच दिया, तो माइनस कर देंगे 500, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस की बात करी जाए तो 700 की एसेट बढ़ गई, लेकिन 500 की एसेट कम हुई है। तो डिफरेंस जो आया वो कितने का आया? 200 का आया, और जो कि फायदा है हमारे लिए। तो फायदा है तो प्लस 200 कर देंगे एज अ प्रॉफिट। कहां कर देंगे? कैपिटल में। क्या लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो जो अब आपका न्यू बैलेंस बच गया, वो कितना बच गया भाई? 49,500 पहले था, अब 700 आपका ऐड हो गया, तो ये हो गया 50,200। फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट या इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो 500 रहेगा। स्टॉक आपका घट जाएगा, पहले 4000 था, अब 500 घट के कितना हो गया? 3500 हो गया। लाइबिलिटीज पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और कैपिटल जो होगा इस पे फर्क पड़ेगा आपका। ये 200 बढ़ करके कितना हो जाएगा? 50,200 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अपनी अगली एंट्री देखते हैं। लिखा है रिसीव्ड रेंट, यानी कि आपको रेंट मिला है, किसी ने किराया दिया है। कितना दिया है? 200 रुपए दिया है। क्या आपके पास से कुछ गया? बिल्कुल नहीं गया। तो ये क्या है? आपका प्रॉफिट है, सीधा सीधा। आपका कैश बढ़ जाएगा एज वेल एज आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। देखिए 200 से आपका कैश बढ़ जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे? रेंट रिसीव्ड, और यहाँ क्या लिखेंगे? 200 से आपका कैश बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्टॉक पे फर्क नहीं पड़ने वाला, लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपकी जो इनकम हो गई, इंक्रीज हो गई कितने से? 200 रुपीज से, जो कि आपका सीधा सीधा बेनिफिट है, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास से तो कुछ गए नहीं, सीधे सीधे 200 रुपए किसी ने किराए के दे दिए आपको, तो 200 रुपए ये ऐड हो गए। तो अब आपका जो न्यू बैलेंस बच गया, वो कितना बच गया जी? वो बच गया, देखिए पहले आपके पास था 50,200 और ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 50,400। ये आपके 500 ही रहेंगे, ये 3,500 रहेंगे, लाइबिलिटी भी उतनी रहेगी, लेकिन ये बढ़कर के कितना हो जाएगा? 50,400 हो जाएगा, ठीक है। अब आप अपने सवाल को अगर चेक करना चाहते हो कि आप लोग सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो, तो आप इसे ऐड कर लेना इतने को, और इसे ऐड कर लेना, ये दोनों हमेशा क्या आएंगे? इक्वल ही आने वाले हैं। ओके, ये हमेशा क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। चलिए अब हम अपने अगली एंट्री की ओर बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि कैश में आपने माल खरीदा है 1000 रुपए का, तो क्या हुआ होगा भाई? माल आपके पास आ गया होगा 1000 का, और 1000 रुपए आपके पास से कैश चले गए होंगे। कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इल्ले, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि कैश आपके पास से क्या हो जाएगा 1000 रुपए का? कम हो जाएगा। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैश गया है बदले में 1000 रुपए का,
स्टॉक आ गया है। लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अपनी न्यू इक्वेशन होगी बस 1000 यहाँ माइनस कर देंगे और 1000 यहाँ प्लस कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है ना। अब अपनी अगली एंट्री जो है वो है विड्रो फॉर पर्सनल यूज 700, यानी के पर्सनल यूज। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आना चाहिए। पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्रॉइंग, ठीक है। जब ओनर अपने निजी किसी काम के लिए बिजनेस से मनी या गुड्स को निकालता है, विड्रॉ करता है, उसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं, ठीक है ना। और बदले में बिजनेस को कुछ मिल रहा है क्या? फिलहाल अभी कुछ नहीं मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर कैश निकाल रहा है तो 700 रुपीज से आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधे सीधे आपकी जो कैपिटल हो जाएगी वो कम हो जाएगी। कितने से हो जाएगी? 700 से कम होकर के ये हो जाएगी 49,700, ठीक है ना। बाकी सब वही सेम रहने वाला, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो अपनी अगली एंट्री है वो है पेड टू क्रेडिटर्स 400, पेड टू क्रेडिटर्स फॉर 400। तो भैया क्रेडिटर को, क्रेडिटर मतलब जो मेरी लायबिलिटी खड़ी हुई थी, उसको मैंने 400 रुपए दे दिए। ले भाई तू बहुत शोर कर रहा है, तेरा उधार था, ले 400 रुपए ले जा। अब ये जो मैंने 400 रुपए दे दिए, 400 रुपीज की जो पेमेंट की है, इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरी इक्वेशंस पे बताइए? इससे फर्क ये पड़ेगा कि मेरा कैश जो होगा 400 से कम हो जाएगा। क्या मुझे बदले में कुछ मिला? नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन मेरी जो एक दायित्व था यानी कि जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई। यानी कि जो बार बार शोर कर रहा था वो शोर करना बंद कर देगा, यानी कि मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी और मेरा कैश कम हो जाएगा। लेकिन कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कैश आपका कितना हो जाएगा? 400 कम कर देंगे, ये हो जाएगा 48,300। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लेकिन लायबिलिटी थी आपकी 4,000 रुपीज की, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास, जिसको मुझे 400 देने थे, वो लायबिलिटी अब कम हो जाएगी। और ये जो मेरा बच जाएगा वो कितना बच जाएगा? 3,600, ठीक है ना। लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कैपिटल पे, और ये आपका 49,700 ही रहने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ है, बस मैंने अपना कर्जा चुकाया है, ठीक है ना। अब अगली एंट्री लास्ट एंट्री है, लिखा हुआ है पेड फॉर सैलरीज 200 रुपीज, यानी कि मैंने किसी को सैलरी दे दी है 200 रुपए। तो क्या हुआ होगा? तो हुआ ये होगा कि कैश कम हो जाएगा मेरा, और मेरी संपत्ति यानी कि जो मेरी कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं अपनी अब लास्ट एंट्री, जो कि क्या है, पेड टू सैलरी, यानी कि मैंने किसी को सैलरी दे दी है 200 रुपए। तो अगर मैंने सैलरी किसी को दे दी है तो रिवर्स में मुझे कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन मेरा इससे क्या होगा? कैश कम हो जाएगा। इसके साथ साथ मुझे रिवर्स में कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन मेरी जो कैपिटल है उस पर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा ये एक एक्सपेंस है, ठीक है ना, एक खर्चा है मेरा। तो यानी कि 200 रुपए क्या हो जाएंगे? कैश में से माइनस हो जाएंगे। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी तो मेरी थी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने किसी को सैलरी दिया है तो ये मेरा एक एक्सपेंस है। लेकिन मेरा कैश डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से कैपिटल भी क्या दिखेगी? 200 रुपए कम दिखेगी, क्योंकि रिवर्स में मुझे कुछ मिल नहीं रहा है इसके बदले, ठीक है ना। तो जो अब आपका न्यू बैलेंस आ जाएगा वो 48,100 आ जाएगा। फर्नीचर आपका 500 रहने वाला है, स्टॉक आपका 4,500 रहने वाला है, लायबिलिटी आपकी 3,600 रहने वाली है, और कैपिटल आपका घट करके 200 कितना हो जाएगा? 49,500 हो जाएगा। अब आप अगर इसका टोटल करोगे, इसके साथ में इन दोनों का टोटल करोगे, तो वो हमेशा क्या आएगा? इक्वल ही आने वाला है, ठीक है ना। इक्वल आएगा तो समझ जाना कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, मैं जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अपना एक नया क्वेश्चन, थोड़ा सा और कुछ नई एंट्रीज के साथ। तो चलिए, इस क्वेश्चन की एक छोटी सी चीज रह गई थी जो कि क्या थी? बैलेंस शीट। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला गया था कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करना है, इसके साथ में इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट क्या होती है? अब आपको एक छोटा सा नमूना दिया गया है, होती तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन ये अकाउंटिंग इक्वेशन की एक बैलेंस शीट है तो ये छोटी सी है। तो इसमें कैसे करना है, देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? बैलेंस शीट एज ऑन, जिस डेट पे बन रही है, जिस ईयर की बन रही है, वो यहाँ पे लिख दी जाती है। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ
31 मार्च की है ये, ठीक है ना। यहाँ पे ईयर आप कुछ भी डाल सकते हो, 2013 चल रहा है तो मैं यही डाल देता हूँ, ठीक है ना। वैसे अभी तो ये आई भी नहीं है, ये फ्यूचर की हो गई एक तरीके से, ठीक है ना। तो चलो 22 कर लेते हैं, पिछले साल की कर देते हैं 22, ठीक है ना। अब होता क्या है बैलेंस शीट के अंदर, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है जहां पर सबसे पहले कॉलम में लाइबिलिटीज लिखना होता है, देन अमाउंट, एसेट और अमाउंट। तो एसेट क्या होती है, अभी आपने देखा एसेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। कैश जो आपको फाइनली जो बच रहा था वो बच रहा था 48,100 का, फर्नीचर जो बचा था आपका वो 500 का बचा था, स्टॉक जो था लास्ट में वो कितना था, 4,500 का था। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें लाइबिलिटीज की, तो क्रेडिटर्स जो आपके बचे थे वो 3,600 के बचे थे, और जो आपकी कैपिटल थी वो 49,500 की बची थी। अब इसकी टोटलिंग कर देंगे बस, और कुछ नहीं। इसका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 53,100, और जो इसका टोटल आ रहा है ये भी कितना आ रहा है, 53,100। देखिए ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है इसके अंदर जो एसेट साइड होती है और जो लाइबिलिटी साइड होती है ये दोनों ही हमेशा इक्वल आती है। इक्वल क्यों आती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस होता है वो हम एडजस्ट करते हुए चलते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा भी था, हम कैपिटल में अगर प्रॉफिट हो रहा था तो उसे ऐड कर रहे थे, और अगर हमारा कोई लॉस हो रहा था तो कैपिटल के अंदर उसे हम माइनस कर रहे थे। तो यानी कि जो डिफरेंस वाले पार्ट थे वो हम पहले ही एडजस्ट करते हुए चल रहे थे। तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो हमारी बैलेंस शीट आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। यानी कि एसेट इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, लाइबिलिटी आएगा। अगर किसी कारण से आपका एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी नहीं आ रहा है तो आप समझ जाना कि आपने कुछ ना कुछ भूल की है, गलती की है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्रीज हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपके सामने एक नए एग्जाम्पल के साथ हम आए हैं जो कि बहुत ही तड़कता भड़कता एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजा राम, ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। यानी कि इसके अंदर भी हमें क्या बनाना है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, इसके साथ में हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। चलिए देखते हैं, पहला जो आपकी पहली जो एंट्री है वो क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000। तो यानी कि इन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट कराया वो कितने से कराए, 1,20,000 रुपए से। तो क्या हुआ होगा भाई, कैश बढ़ गया होगा, इसके साथ में कैपिटल बढ़ गई होगी, वही होगी एंट्री, और कुछ नहीं करना। तो आपको क्या लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपए। अभी ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये आपको इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इसके नीचे और भी एंट्रीज हैं। जैसे जैसे एंट्रीज बढ़ती रहेंगी आपकी एसेट भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो अभी फिलहाल आप इसे क्या मान के चलो, शून्य, जीरो, ठीक है ना। तो कैश आ गया आपके बिजनेस के अंदर 1,20,000 का, इसके साथ साथ कैपिटल भी आ गई कितने की, 1,20,000 से इंक्रीज हो गई। वो जो न्यू बैलेंस होगा वो यही होगा, ठीक है ना। अब अगली एंट्री देखते हैं जरा क्या लिखी है, परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर कैश फॉर ₹8,000 फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। अच्छा भाई, इसने ऑफिस यूज बोला है, पर्सनल यूज नहीं बोला, क्योंकि पर्सनल यूज होता तो वो कुछ और ही हो जाता। यहाँ लिखा है ऑफिस यूज के लिए इन्होंने ₹8,000 का एक टाइपराइटर खरीदा है। तो टाइपराइटर किसे कहते हैं पता ही होगा आपको। अब ऑफिस के यूज के लिए इन्होंने खरीदा है तो हुआ क्या होगा भाई, कैश गया होगा लेकिन बदले में टाइपराइटर आ गया होगा। यानी कि एक एसेट गई तो दूसरी एसेट क्या हो गई, आ गई। जब एक एसेट जाएगी और दूसरी आएगी तो कोई फायदा या नुकसान तो होगा नहीं, खाली जो एडजस्टमेंट होगी वो किस साइड होगी, एसेट साइड ही होने वाली है। तो देखिए, परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज, ₹8,000 से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसके साथ में ₹8,000 का टाइपराइटर आपके बिजनेस में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जी क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ साथ जो आपकी कैपिटल होगी उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। अगली एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फॉर कैश। यानी कि आपने माल खरीदा है ₹50,000 का, वो भी कैश में, तो क्या हुआ होगा भाई, माल बिजनेस में आ गया होगा और कैश चला गया होगा। बहुत जल्दी से देखते हैं, ₹50,000 आपके पास से कैश चले गए, टाइपराइटर पे कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा, स्टॉक आपका पहले जीरो था लेकिन अब कितना हो जाएगा,
50,000 बढ़ जाएगा, यानी कि 50,000 का अगर कैश गया तो 50,000 के बदले में क्या आ गया, स्टॉक आ गया। लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ साथ कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एसेट गई है तो दूसरी एसेट आई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली इक्वेशन। परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट, माल दोबारा खरीदा लेकिन क्रेडिट खरीदा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, यानी कि इस बार माल तो आया 40 का, लेकिन हमारे पास से कुछ गया, कुछ नहीं गया, लेकिन क्या जाएगा भी नहीं, जाएगा, क्या जाएगा, कब जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आप कब दोगे, लेकिन तब तक के लिए वो व्यक्ति आपका हो जाएगा क्रेडिटर और आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। चलिए देखते हैं, ये रहा, ठीक है। तो यहां पे कैश गया क्या, कैश नहीं गया, क्योंकि हमने उधार लिया है। टाइपराइटर पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। स्टॉक पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई, पहले 50,000 रुपए के थे लेकिन अब 40,000 रुपए के क्या हो गए, और हो गए, तो 40 और 50 बन जाता है 90, यानी कि 90,000 के आपके स्टॉक हो चुके हैं, मुबारक हो। तो क्रेडिटर्स जो है वो पहले क्या थे, जीरो थे, अब 40,000 रुपए के क्रेडिटर भी आपके बढ़ गए, यानी कि आपके ऊपर जो बोझ था वो बढ़ गया, लायबिलिटी जो थी वो बढ़ गई। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कैपिटल पर, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा, बस उधार मान लिया है, बाद में हम पेमेंट कर देंगे जब होगी तो, ठीक है ना। अब अगला हमारा क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 60,000 रुपीज सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। बहुत बढ़िया जी, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ ये मैं, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन। देखिए 60,000 रुपए का कोई माल था जिसको आपने बेच दिया है, कितने का बेच दिया है, 80,000 रुपए का, वो भी क्रेडिट पे, क्रेडिट पे, यानी कि 60,000 रुपए का मेरे पास से माल चला गया, लेकिन रिवर्स में मेरे पास कुछ नहीं आया, ठीक है। तो कुछ नहीं आएगा क्या मतलब है, कभी आएगा भी नहीं, बिल्कुल आएगा, कोई ना कोई ड्यू डेट जरूर दोगे आप कि भाई मुझे इस तारीख को तो पैसा चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब तक वो व्यक्ति हमें पैसा नहीं दे रहा है तब तक वह व्यक्ति हमारा कहलाता है डेटर। क्या, डेटर कहलाता है, यानी कि आपके पास से क्या हो जाएगा, 60,000 रुपए का जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा। देखिए कैश आपको अभी कुछ नहीं मिला, टाइपराइटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो आपका स्टॉक 90,000 का गोडाउन में पड़ा हुआ था ना, उसमें से 60,000 रुपए का माल क्या हो जाएगा, चला जाएगा, बड़े दुख की बात है, लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, वो कितना है, जीरो है, कुछ नहीं मिल रहा है, वो बाद में देगा। जब तक नहीं देगा वो आपका डेटर है, और डेटर भी एक असेट होती है, क्योंकि वो हमें बाद में पैसा देंगे, वो मेरी ही संपत्ति है, तो इसीलिए यहाँ पे एक कॉलम बढ़ जाएगा डेटर का, जिसके अंदर हम लिख देंगे 80,000। लेकिन यहाँ पे आप एक बात नोटिस करो, 60,000 रुपए कम हुए लेकिन 80,000 रुपए बढ़ गए, सॉरी 60,000 रुपए का स्टॉक कम हुआ लेकिन 80,000 के डेटर जो थे वो आपके बढ़ गए। तो क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है, 80-60, यानी कि 20 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपने 60 वाली चीज को 80 में बेचा है, 20 का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। तो ये जो 20 का डिफरेंस है यही आपका प्रॉफिट है, और इससे आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 20,000 का जो डिफरेंस होता है वो कहाँ लिखा जाता है, वो कैपिटल में लिखा जाता है, क्योंकि वो फायदा है। अगर ऐसे नुकसान भी होता तो माइनस कर देते, सीधी सी बात है, अब इस जगह पे हमारा फायदा है तो हमने ऐड कर दिया। चलिए तो अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो 60 वाला माल था 80 में बेचा, इसके बाद जो मेरा न्यू बैलेंस बच गया वो कितना बच गया, भाई इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो 62 था, 62 अब भी है, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 80 का 80 है, लेकिन 90,000 रुपए के जो मेरे स्टॉक थे 60 कम होकर के अब कितने बच गए, 30,000 के बच गए, और जो मेरे डेटर पहले कुछ थे ही नहीं वो अब कितने के हो गए, 80,000 रुपए के, यानी कि मुझे इतना पैसा मिलना है इन फ्यूचर। लायबिलिटी मेरी 40 थी, अब भी 40 ही है, लेकिन कैपिटल मेरी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी, 20 प्लस करके 1,40,000 रुपए की हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी अगली एंट्री, जो कि क्या है, पेड फॉर रेंट रुपीज 1500 एंड फॉर सैलरीज 2000 रुपीज। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इसके अंदर सैलरी दे दी है 2000 रुपए की, इसके साथ में जो रेंट दिया है आपने 1500 रुपए का दिया है, सोचिए जरा हुआ क्या होगा।
भाई मेरे पास से कितने गए टोटल, 2000 रुपये मेरी सैलरी के गए जो मैंने दिए हैं, और रेंट दिया है 1500 रुपये, तो 2000 प्लस 1500 हो जाते हैं 3500, यानी कि 3500 रुपये, 3500 रुपये मेरे पास से निकल के चले गए। लेकिन क्या रिवर्स में मुझे कुछ मिल रहा है बदले में? कुछ नहीं मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, मेरा कैश कम हो जाएगा, इसके साथ साथ मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। बहुत ही ईजी और सिंपल एंट्री है, पेड रेंट और सैलरी। तो देखिए 3500 रुपये टोटल क्या हो जाएंगे मेरे, कैश में से कम हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइपराइटर पे, स्टॉक पे या डेटर पे, ना ही लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस पड़ेगा तो किस पे, कैपिटल के ऊपर। कैपिटल मेरी कितनी हो जाएगी, 3500 रुपये से कम हो जाएगी, क्योंकि वो मेरा क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। तो अब अगर मैं न्यू बैलेंस की बात करूं, 3500 यहाँ कम करके कितना हो जाएगा, 58,500 बच जाएगा, ये आपका 8000 रहेगा, ये 30,000, 80,000, 40,000, और ये हो जाएगा 1,36,500, ठीक है ना, ये आपका न्यू बैलेंस हो जाएगा जो कि आपको शो हो रहा होगा। अब अगला जो है हमारा है रिसीव्ड ₹800 फॉर कमीशन, यानी कि भाई मजे आ गए, इस बार बड़ा दिल खुश हुआ इसे पढ़ के कि भाई मुझे कमीशन मिल रही है कितने की, 800 रुपये की। अगर मुझे किसी चीज से कमीशन मिलती है तो क्या बदले में मुझे भी कुछ देना होता है? नहीं, जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ, उसके बदले मुझे रिवार्ड मिल रहा है, यानी कि कमीशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो होगा क्या, मेरे पास कैश आ जाएगा, यानी कि कैश बढ़ जाएगा, बदले में मुझे कुछ नहीं देना, यानी कि किसी भी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, कैपिटल, कैपिटल पे फर्क पड़ेगा, मेरी जो पूंजी होती है कुल, वो मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं, देखिए कितना है, 800 रुपीज़ है, तो कमीशन रिसीव्ड हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 800 हो जाएगा, इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपकी चीज़ें क्या बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, कितने रुपये से बढ़ जाएगी, 800 रुपीज़ से बढ़ जाएगी। और अब आपका जो न्यू बैलेंस है वो कितना हो गया, 59,300, 8,000, 30,000, 80,000, 40,000 और 1,37,300, ठीक है ना। अब हमारी जो लास्ट एंट्री बची है वो क्या बची है, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज ₹5,000 इन कैश, यानी कि आपने अपने प्राइवेट यूज के लिए, प्राइवेट यूज का मतलब होता है पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्रॉइंग, यानी कि आपने अपने प्राइवेट यूज के लिए ₹5,000 जो है वो निकाल लिए हैं अपने बिजनेस से। तो क्या हुआ होगा भाई, कैश कम हो जाएगा, इसके साथ साथ कैपिटल कम हो जाएगी, और तो कोई एक्टिविटी हुई नहीं है इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5000 रुपये हम कैश में से कम कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो आपकी कैपिटल होगी वो कितने से कम हो जाएगी, 5000 रुपये से कम हो जाएगी। हम लिख भी देंगे कि भाई ये ड्रॉइंग थी, ठीक है ना। तो इससे जो अब आपका न्यू बैलेंस बचा वो कितना बचा, देखिए जरा, आपका जो न्यू बैलेंस हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, 5000 माइनस करने के बाद ये आपका बचा 54,300, ये 8,000, 30,000, 80,000, 40,000 और ये 1,32,300। तो ये आपकी थी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है। बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कैसे बनाई जाती है। बैलेंस शीट में ऊपर लिख देंगे नाम, अगर दे रखा है तो बैलेंस शीट ऑफ राजा राम, यानी कि जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं किसकी बना रहे हैं, राजा राम की बना रहे हैं। और कब बना रहे हैं, यहाँ पे डेट आ जाएगी, एज ऑन 31 मार्च जो भी ईयर होगा, ठीक है ना, 31 मार्च 2020 लिख देता हूँ चलो मैं, ठीक है ना। इसके बाद जो फॉर्मेट है वो आपको पता है, इधर लाइबिलिटी आएगी, अमाउंट लाइबिलिटी और अमाउंट, आपकी ये जितनी भी एसेट थी, ठीक है ना, ये सारे एसेट आप यहाँ लिख दो बिल्कुल आंख बंद करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैश आपका कितना था, 54,300 का था। टाइपराइटर आपका कितने का था, 8000 का था। स्टॉक आपका कितने का था, 30,000 का था। और डेटर जो थे आपके वो कितने थे, 80,000 के थे। अभी टोटल मत करना, अभी यहाँ देखो जरा क्रेडिटर, क्रेडिटर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, देखिए 40,000 आपके क्या है, क्रेडिटर्स हैं। इसके साथ साथ 1,32,300 ये जो है ये आपकी कैपिटल का बैलेंस है, और ये भी क्या है, लाइबिलिटी के अंदर ही इंक्लूड करी जाती है। अब जरा टोटल करेंगे हम, जब इधर का टोटल करा तो वो आ गया 1,72,300। और अगर हम एसेट साइड का कैलकुलेशन करते हैं तो वो भी आता है 1,72,300, ठीक है ना। तो दोनों ही साइड हमारी इक्वल आई है,
172,300 और यहाँ भी कितना है 172,300। तो अगर आपका ये टैली हो जाता है, ये बराबर आ जाता है, तो आपने सवाल बिल्कुल सही करा है, अदरवाइज कुछ ना कुछ चूक हुई है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।